हे गाइस, क्या हालचाल। वेलकम टू शेड प्लस। मैं आपका संकल्प सर आपके समक्ष हूं रिवीजन कराने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का, और उस टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ मास। हालांकि सेंटर ऑफ मास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जेईई नीट के एग्जामिनेशन में हर बार आता है, कहकर आता है, कहकर सवाल देता है, और हम गलती करते हैं और अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो जल्दी से आज सेंटर ऑफ मास का क्विक रिवीजन करेंगे और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स देखेंगे कौन कौन से टाइप्स की प्रॉब्लम बनती है सेंटर ऑफ मास में, और सेंटर ऑफ मास को जल्दी से निपटाएंगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास हाँ भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, शेड हाइब्रिड एकेडमी, शेड कोचिंग, शेड प्लस, सारे के सारे टीचर्स आर डूइंग देयर हार्ड वर्क कि आपको जैसी हो सके उतनी हेल्प की जाए। तो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट द चैनल, कमेंट ऑन द चैनल नाम भाई, कमाल करते हो यार। चलो स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट नहीं करते। सेंटर ऑफ मास क्या है, ये सेंटर ऑफ मास कौन है, ये सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, पहली बात, सेंटर ऑफ मास इज अ हाइपोथेटिकल थिंग, ये हमने मैनमेड हमने बनाई है फॉर द सेक ऑफ आवर कैलकुलेशन, कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए। एक हमने इमेजिनरी पॉइंट कंसीडर किया कि यार पूरे बॉडी का मास हम यहां मान सकते हैं, जरूर नहीं है वहां मास नहीं है, बट मान सकते हैं ताकि हमारे सारे कैलकुलेशन बिल्कुल सेट बैठे। ठीक है, तो भाई सेंटर ऑफ मास का इतना इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, बाकी चीजें बताऊंगा। नाउ स्कोर हाई इन जेईई नीट, भाई सेंटर ऑफ मास अच्छे से कर लो एक बार फाइनल ब्रशअप के लिए, एक बार अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली सिलेक्शन पक्का है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भाई पहली टाइप ऑफ प्रॉब्लम आ गई, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। सबसे पहली बात ये आती है कि डिस्क्रीट मास सिस्टम क्या होता है। डिस्क्रीट मास सिस्टम होता है जब मासेस अलग अलग पॉइंट्स पे हो। जैसे मैं कौन हूं, मैं कॉन्टिन्यूअस हूं क्योंकि मैं यार क्या मेरा हाथ अलग टंगा हुआ, पैर अलग टंगा हुआ, ऐसे नहीं, सब जुड़ा हुआ है ना यार, तो मैं कॉन्टिन्यूअस हूं। डिस्क्रीट क्या, जैसे मासेस अलग अलग हो, जैसे मैं तुमसे छोटी सी बात करूं, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग 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 टिंग, जल्दी से मुझे बता दो कि ये डिस्क्रीट है कॉन्टिन्यूअस, जल्दी से मुझे बता दो ये डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस। आंसर है सर जी, कैसी बात करते हो, इतना भी नहीं पता होगा क्या मैं, दिस इज डिस्क्रीट मास सिस्टम, क्योंकि अलग दिस इज डिस्क्रीट मास सिस्टम, कोई दिक्कत, दिस इज डिस्क्रीट मास सिस्टम। बट अगर ये पूरा एक प्लेट होती, मान लो ये प्लेट होती, तो ये प्लेट क्या है, कंटीन्यूअस मास सिस्टम है, डिस्क्रीट मास सिस्टम है, सोच के बताओ ये प्लेट क्या है, कंटीन्यूअस मास सिस्टम है, डिस्क्रीट मास सिस्टम है, कमाल करते हो सर, दिस इज कंटीन्यूअस, अभी तो आपने बताया, छोटी-छोटी चीजें बता के खुद भूल जाते हो, दिस इज कंटीन्यूअस मास सिस्टम, दिस इज कंटीन्यूअस मास सिस्टम, बात समझ में आती सब चंगा सी। तो डिस्क्रीट और हम लोग पहले इसका सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, फिर इसका सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलो अच्छा, डिस्क्रीट मास सिस्टम पे शुरू करते हैं। तो यार देखो सिंपल सा है, कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूले समझो। जैसे मान लो मैंने एक एक्स एक्सिस बना ली, ठीक है, और एक वाई एक्सिस बना ली, एक एक्स एक्सिस बना ली और एक वाई एक्सिस बना ली। यहां पे मैंने एक एम वन मास रख दिया, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वन कमा वाई वन है, और सपोज कर इसका पोजीशन वेक्टर आर वन वेक्टर है। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वन वेक्टर। थोड़ा सा अगर सही नहीं दिख रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, एक्स वन को शार्प कर लेता हूँ, x1 और इसका पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर इसका r1 वेक्टर है, और सपोज करो ये मास m2 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर। और मैंने तुमसे बोला है कि यार इसका सेंटर ऑफ मास, सपोज करो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां लाई कर रहा है। क्या सच में सेंटर ऑफ मास नहीं लाई करता है? आंसर इन द सेंस दिस इज हाइपोथेटिकल पॉइंट, इमेजिनरी है, वहां होगा इसका सेंटर ऑफ मास, वहां पे अटैक करेंगे तो काम हो जाएगा, बोलो हां यार। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करें, तो अगर सेंटर ऑफ मास यहां है तो इसका पोजीशन वेक्टर भी यहां होगा, कोई कष्ट वाली बात, अगर सेंटर ऑफ मास यहां है तो इसका पोजीशन वेक्टर भी यहां होगा, नहीं कष्ट है, अरे बोलो यार। अगर RCM की वैल्यू मैंने बोली तो RCM की वैल्यू क्या होगी, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना, वेक्टर की वैल्यू पुट करना, आंसर निकालना। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आरसीएम, पहला तरीका। अगर मैं आरसीएम से आरसीएम वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो अच्छा मैं एक्सीएम को वाईसीएम की तरफ से लिखूं, तो लिख सकता हूं एक्सीएम प्लस वाईसीएम जे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स पता हो तो पोजीशन वेक्टर लिखना कोई कष्ट वाली बात नहीं है, बराबर m1 x1 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस m2
एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप गलत हो गया, एक्स वन या वाई वन होना चाहिए ना, अपॉन एम वन प्लस एम टू। जब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे बच्चों, तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला आएगा ये जो तुम्हें याद रखना है, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। सिमिलरली वाई सी एम क्या आ जाएगा, वाई सी एम बराबर एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो इसको प्लीज मिस नहीं करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिस नहीं करना, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सीएम और वाईसीएम निकालने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी, आई होप इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी, कोई कष्ट नहीं होगा। तो फॉर्मूला ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अगर दो मासेस हैं तो मैंने क्या किया एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू किया, तीन मासेस होते तो एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री कर देते, 20 मासेस होते तो भी घबराने की जरूरत नहीं थी। बात समझ में आया, तो इसको जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करते चलेंगे, समझते चलेंगे ये है। अब चलिए उस पर करते हैं सवाल, बढ़िया भैया। सपोज करो ये देखो पहला सवाल, ये है अपने पास 2 किलो मास और ये है अपने पास 4 किलो मास। ठीक है, तो पहले मैं एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ, फिर ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, पहले एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ, फिर क्या बता देता हूँ ट्रिक। ठीक है, तो घबराना नहीं, एक सिंपल तरीके से और एक ट्रिक। तो अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं तो कैसे निकाल लूंगा, देखो इधर सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल है, 2 मास हो, 3 मास हो, 4 मास हो, n मास हो, डजंट मैटर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज द ओरिजिन। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें ओरिजिन चूज करना पड़ेगा। तो मैंने देखो ऐसे बना लिया, इसको x एक्सिस मान लिया और इसको y एक्सिस मान लिया, कोई कष्ट, मान लेते हैं दोनों के बीच डिस्टेंस 4 मीटर, एक को x एक्सिस मान लिया और एक को y एक्सिस मान लिया। तो जल्दी से मुझे बताओ ये क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 4, 0। सर के डरा समझ रखा है क्या सर, 0, 0 ठिकाने लग गए, निपट गया सवाल, कैसे निपटा सुन इधर। YCM की तो कोई चर्चा ही नहीं है, काहे को नहीं है चर्चा YCM की, काहे को नहीं है बोल, काहे को नहीं है, क्योंकि यार सेंटर पूरा जो मास एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y एक्सिस पे सेंटर मास का आ जाएगा, सेंटर मास नहीं है यहां होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा XCM, 0। XCM की वैल्यू क्या होगी, m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2 2 into 0 aya 4 into 4 aya total mass aya answer dekho yun hi aya 8/3 = 2.66 something, samajh mein aaya। तो सेंटर मास यहां से 2.66 सेंटीमीटर दूरी पे लाई करेगा, इतनी बात समझ में आती है तो बोलो जल्दी से कमेंट में बताना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैसे बढ़ते हैं कि अगर सेम यही सवाल होता तो सर कोई और बढ़िया ट्रिक बता दो ना, 2 मासेस सिस्टम ये, लेकिन 2 मासेस सिस्टम की ट्रिक है, ट्रिक फॉर 2 मासेस सिस्टम। ठीक है, ट्रिक फॉर 2 मासेस सिस्टम। अब भाई ट्रिक क्या है, देखो इधर ट्रिक क्या है कि मान लो अपने पास एक मास है 2 किलो और एक मास है 4 किलो और इन दोनों के बीच की दूरी है 4 मीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी है कितनी, 4 मीटर। यहां तक बात समझ में आ रही है, इन दोनों के बीच की दूरी है 4 मीटर, और अगर इन दोनों के बीच की दूरी 4 मीटर है तो आई होप कैसे टैकल करना है, बहुत सिंपल है। पहला तरीका क्या है, फॉर्मूले से। दूसरा तरीका क्या है, जुगाड़ से। और जुगाड़ देखते हैं, इंडिया में तो जुगाड़ तो देखेंगे ना भाई। अगर ये 2 किलो है और ये 4 किलो, ठीक है, यहाँ 2 किलो या 4 किलो मुझे सेंटर मास निकालना, तो पहली इंपॉर्टेंट बात लिखने वाली बात बताने जा रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली हर एक लाइन अपने दोनों तरफ मास इनटू डिस्टेंस को बराबर डिवाइड करती है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन अपने दोनों तरफ मास इनटू डिस्टेंस को बराबर डिवाइड करती है। तो मैं मान लेता हूं कि सेंटर ऑफ मास इसका ये है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली कौन सी लाइन, हर लाइन। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली कौन सी लाइन, हर लाइन, हर लाइन, हर लाइन, हर लाइन। तो भाई ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास
सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली हर लाइन मास इक्वल डिस्टेंस को बराबर डिवाइड करती है। तो मान लेते हैं ये दूरी x है, ये दूरी क्या हो जाएगी 4 माइनस x, ठीक है। अगर ये दूरी x है तो ये दूरी क्या हो जाएगी 4 माइनस x। अगर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन दोनों बराबर डिवाइड करते तो इधर मास इक्वल डिस्टेंस क्या होगा लाइन के इस तरफ 2 इनटू x बराबर 4 इनटू 4 माइनस x सर आपकी ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4x, ये आ गया 6x इज इक्वल्स टू 16, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 16 बटे 6, दिस इज इक्वल्स टू 8 बाय 3। लो भाई ठिकाने लग गया, समझ में आया बात। तो बेटा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस तुम लोग बहुत इजीली निपटा सकते हो। तो सेंटर ऑफ मास होगा डिस्क्रीट मास सिस्टम में, 2 मास अगर सिस्टम है तो डायरेक्ट ऐसे यूज कर लेना, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे यूज कर लेना, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। जल्दी से इसको नोट कर लो, पानी पियो, जल्दी से नोट कर लो इसको जी। ठीक है, दो मास सिस्टम आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई कष्ट नहीं रहा होगा। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम के। दो मास सिस्टम हो गया, अब n मास सिस्टम करते हैं, 3, 4, 5, 8। देखो एक जैसे मैं तुमको बोलूंगी कि ऐसा सपोज करो रेगुलर हेक्सागन, रेगुलरी मान लेना, सपोज दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन और 2 kg, 3 kg, 4 kg, 2 kg, 4 kg, 3 kg, 2 meter, दो रेगुलर हेक्सागन में सारी साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी, ठीक है। अब मुझसे कोई पूछ ले कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, मुझसे कोई पूछ ले कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, हाउ कैन आई फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास। सर सबसे पहले देखो कोई भी सवाल आ जाए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले यू हैव टू चूज द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन चूज कर लो। ओरिजिन किसको चूज करें सर, जो तेरा मन, कोई कष्ट नहीं है। मैं काम करता हूँ बिल्कुल सिमेट्री से दिख रहा हूँ, मैं सेंटर को ओरिजिन चूज कर लेता हूं, ये लो ये लो, मैंने इसको ओरिजिन चूज कर लिया, ठीक है। अच्छा रेगुलर हेक्सागन में क्या खास बात है कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मिलकर बना होता है, ये दो है तो ये भी क्या है, तो देखो इसका कोऑर्डिनेट तो डायरेक्ट आ गया 2, 0 और इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया -2, 0। बोलो आया फीलिंग आई नहीं, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा -2, 0। एक का कोऑर्डिनेट आ गया 2, 0 और एक का कोऑर्डिनेट आ गया -2, 0। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये दूरी l है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सोचो कॉमन सेंस से, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी 2 cos 60 और ये डिस्टेंस होगी 2 sin 60, एग्री कर लो। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिख सकता हूं, 2 cos 60, बेटा फीलिंग आ रही है 2 cos 60, 2 sin 60, अरे यार है ना, मैंने ये जो डिस्टेंस पता नहीं, ये डिस्टेंस निकालना था, और ये जो डिस्टेंस होती है यही तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है। अरे बोलो ना कुछ यार, गलत बोल रहा हूं तो बोलो, देखिए चलो जल्दी देखिए, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2 cos 60, अरे सर लगा लिए जुगाड़, समझ नहीं आया, +2 sin 60, सर इसका भी जुगाड़ सी मारोगे, मुझे पता है जुगाड़ ही मारोगे, बस क्या करोगे 2 cos 60, -2 sin 60, समझ गए सर, सारे कोऑर्डिनेट आको, इससे भी बिल्कुल घबराना नहीं है, कैसे 2 -2 cos 60 और -2
टू साइन 60। क्या सबके कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता है? हाँ जी पता है। क्या सबका अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना होगा इसका, तो सेंटर ऑफ मास निकालने में मुझे इस बार एक्सियम वाई सेम दोनों निकालना होगा? हाँ जी निकालना होगा। एक्सियम के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? m1 x1 और इसको कितनी बार लिखूंगा? 6 मास है तो 6 बार m2 x2 + m3 x3 देखा चिका अपॉन टोटल मास दैट इज m1 + m2 + m3 बोलो फीलिंग आएगी। सिमिलरली YCM में निकाल लोगे, एक बार XCM निकाल लिए, एक बार YCM निकाल लिए, समझ लो लाइन झिंगा लाला। एक बार XCM निकाल लिए, एक बार YCM निकाल लिए, तो लाइन झिंगा लाला। बात समझ में आई? डिस्क्रीट मास सिस्टम का एक अच्छा सवाल है, आई होप इतना तुम्हें समझ में आया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओह वाओ मैन, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? व्हाट इज कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन? जल्दी बोलो। कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंटीन्यूअस मास, छोटे छोटे डिस्क्रीट को, बहुत सारे डिस्क्रीट 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 को जोड़ दिया तो कंटीन्यूअस बन गया। जैसे बूंदी जो है वो डिस्क्रीट है, बट बूंदी का लड्डू जो है वो कंटीन्यूअस है। अरे बोलो आया कि नहीं, मुंह में पानी मत लाना। अरे आया कि नहीं आया? अरे बोलो पक्का। चलो आगे बढ़ा। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जैसे मान लो सपोज रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट है, कंटीन्यूअस है। ये देखो रिंग है, ठीक है, ये भी कंटीन्यूअस है। ये ऐसे कोन बना दिया, ये भी कंटीन्यूअस है। बात समझ में आ रहा है? ये सब कंटीन्यूअस है। तो ऐसे सेंटर मास निकालेंगे, फॉर्मूला सेम वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। बस फॉर्मूला क्या बन जाता है? एक्सीएम बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू एक्स, कैसे करते हैं सिखाऊंगा, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, integration of dm into x upon integration of dm with proper limits, ये मत भूलना, with proper limits, with proper limits। अब ये proper limits का क्या मतलब हुआ सिखाते हैं। पहले ये form, अब similarly ycm अगर लिखना होगा तो ycm कैसे लिखेंगे? अगर मुझे ycm लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? integration of dm into y upon integration of dm with proper limits, with proper limits, ठीक है? तो ये रहा फॉर्मूला। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम में फॉर्मूला क्या होगा? m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 upon m1 + m2 + m3। और डिस्क्रीट अगर कंटीन्यूअस मास सिस्टम की बात करूं तो फॉर्मूला विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dmx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है? dm मतलब छोटे। हम क्या कर रहे हैं इसकी फॉर्मूला वही है, देखो इधर m1 x1 + m2 x2 को जोड़ रहे हैं, ठीक है, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ m1 + m2 + m3 करते थे, उसी को मैंने क्या कर दिया, dm कर दिया। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज कोई एक सवाल है कि भैया एक मार्केट से रॉड लेके आए हैं, तो जो उधर भैया एक मार्केट से रॉड लेके आए हैं जिसकी लैम्डा की वैल्यू लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, ये कब तुमने बहुत देखा है मेरा, इसके लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर। अब सवाल ये है, ये लैम्डा क्या है? लैम्डा इज कॉल्ड एज लीनियर मास डेंसिटी। तीन टर्म्स में पूरे फिजिक्स में अक्सर देखे जाएंगे, जैसे लैम्डा, सिग्मा और रो। लैम्डा क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, लैम्डा होता है लीनियर मास डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है? एरियल मास डेंसिटी। और रो होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात होगी तो चार्ज डेंसिटी बन जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात? अब मुझे मान लो इसका मुझे सेंटर मास निकालना होगा। पहली बात देखो यार, कॉमन सेंस की बात है कि दिस रॉड इज, पहला सवाल ये आता है कि दिस रॉड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये जो रॉड है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, पहला सवाल ये आता है। तो आंसर है सर, दिस रॉड इज नॉन यूनिफॉर्म, बिकॉज अगर यूनिफॉर्म होती तो सेंटर मास का बीचों बीच होता। अगर ये रॉड यूनिफॉर्म होती तो इसका सेंटर मास बिल्कुल बीचों बीच होता, बट इस जो इस रॉड में मास है वो वैरी कर रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे रॉड ज्यादा भारी है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि रॉड को इतना काट ले तो यहाँ पे ज्यादा मास है, क्योंकि जैसे जैसे एक्स वैरी कर रहा है मास का डिस्ट्रीब्यूशन हैवी होता गया, लैम्डा बढ़ता गया। तो रॉड इसका मतलब, अब मुझे कॉमन सेंस से पहले बताओ, मुझे कॉमन सेंस से बताओ कि अगर मैं इसका रॉड का सेंटर मास पता करूं, सेंटर मास होगा किधर?
लेफ्ट साइड में राइट साइड में सेंटर ऑफ मास किस रॉड का होगा किधर लेफ्ट साइड पे होगा राइट साइड होगा तो कॉमन सेंस की बात है सर रॉड इधर भारी ज्यादा है तो सेंटर मास होगा इधर ठीक है अब मुझे अगर सेंटर मास एग्जैक्ट निकालना है तो फिर सेम उसी तरीके से मैंने क्या किया ओरिजिन चूज किया 0.0 मान ठीक है अब मैं क्या करने वाला हूं मैं जो हमने को फॉर्मूला गुरु जी ने बताया है हम उसको एप्लीकेशन करेंगे बढ़िया से कैसे xcm बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dmx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm विद प्रॉपर लिमिट्स ठीक है ये हमने फॉर्मूला लगा है अच्छा यहां पर बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है हमें we don't have to go with the formula of bycm क्यों bycm के फॉर्मूले में क्यों नहीं लगाना है हमें क्योंकि भाई सेंटर ऑफ मास से y पे रॉड बहुत पतली है तो रॉड का ये वाला डायमेंशन बहुत छोटा है तो उसका सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे तो जाएगा नहीं तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं इसको कि सेंटर ऑफ मास उसका कहीं यहीं पे x एक्सिस पे ही लाई कर देगा ठीक है कॉमन सेंस है अब dm की वैल्यू कैसे निकालेंगे हाउ कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dm हाउ कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dm सोचने वाली ये बात तो देखो क्वेश्चन वाले हमको एक आसान चीज दी है कि लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट x स्क्वायर लैम्डा नॉट इज द कांस्टेंट तो बहुत इजी है तुम्हारे पास मतलब तुमने ये रखा है कि एक मीटर पे मास इतना है एक मीटर पे मास इतना है तो मैंने क्या किया सबसे पहले तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया x दूरी पर जाके एक dx मोटाई का एलिमेंट ठीक है छोटा सा क्यों मैंने dx मोटाई का एलिमेंट लिया मुझे जनरल एलिमेंट लेना है मैं इसको क्यों लूं वो बुरा मान लिया तो मैंने x दूरी पर जाके dx जनरल एलिमेंट ले लिया अब इस dx एलिमेंट पे अगर मैं मास की बात करूं तो उसका मास क्या होगा dm की वैल्यू तो उसकी dm की वैल्यू होगी लैम्डा क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ 1 मीटर पे मास तो 1 मीटर पे इतना मास तो 2 मीटर पे 2 टाइम्स इतना 3 मीटर पे 3 टाइम्स इतना 4 मीटर पे 4 टाइम्स इतना तो x dx मीटर पे इतने पे कितना मास होगा dx टाइम्स इतना बोलो आया नहीं अगर तुम्हें लैम्डा दे रखा है तो डरना नहीं है तुम्हारे लिए और आसान किया है प्रॉब्लम वाले तो dm की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा नॉट x स्क्वायर * dx ठीक है dm की वैल्यू हमारे पास आ गई अब dm की वैल्यू आ गई तो घबराना क्या बस वैल्यू पुट करनी है बस कैसे लैम्डा नॉट x स्क्वायर * एक x और चल रहा है साथ में ये वाला x फॉर्मूले वाला x * dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट x स्क्वायर dx ठीक है अब जो हम बहुत देर से कर रहे हैं प्रॉपर लिमिट्स को पुट करना अब लिमिट्स पुट करेंगे लिमिट्स के बारे में बात करें तो लिमिट्स कैसे कहां से कहां तक पुट करेंगे x कहां से कहां वैल्यू यहां से नॉट शुरू होगा जूजू x यहां तक जाएगा मतलब 0 से l तक जाएगा 0 से l तक बात समझ में आई अब अगर मैं सिंपल सी बात करूं कांस्टेंट को बाहर ले लूं तो लैम्डा नॉट x क्यूब पर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा x की पावर 4/4 लिमिट 0 से l अपॉन लैम्डा नॉट x cube by 3 limit 0 से l I hope बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको कोई कष्ट नहीं रहा होगा lambda not खाएगा एक दूसरे को बड़ा मजा आएगा और अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ फर्दर तो यह जाएगा l की पावर 4 by 4 upon l cube by 3 l m कर क्या 3 l by 4 is the answer लो लग गया निकाले 3 l by 4 is the answer ठीक है तो ये हमारे पास इसको जानना 3l by 4 मतलब लगभग जो सेंटर था उससे आगे लगभग यहां सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है बात समझे तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन खासकर नीट वाले बच्चों को बहुत ज्यादा इस पे रडार पे लेने की जरूरत नहीं बहुत ज्यादा कठिनाई की जरूरत है अगर इतना अप्रोच आपको क्लियर है तो आप कर लोगे जेई वाले बच्चे इसको प्लीज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना कि रिंग में अगर चार्ज डेंसिटी वैरी कर रही लैम्डा वैरी कर रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं ये सब चीजें आपके लिए काम की होंगी ठीक है हालांकि अप्रोच मैंने बता दिया क्विक रिकैप रिवीजन के लिए इतना आपको बहुत काम आएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब सेंटर ऑफ मास ऑफ सम स्पेशल बॉडीज देखो कुछ सेंटर स्पेशल बॉडीज का सेंटर ऑफ मास तुम्हें याद भी होना चाहिए कुछ सेंटर स्पेशल बॉडीज का सेंटर ऑफ मास तुम्हें याद भी होना चाहिए काम आता है ठीक है कुछ याद है कुछ भी याद है चलो रिंग है रेडियस आर है मास है
सेंटर मास का आंसर करना चाहिए, कॉमन सेंस जो कि नहीं होता सबके पास, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। चलो कॉमन सेंस थ्योरम यूज करेंगे। कॉमन सेंस थ्योरम यूज क्या कहती है, कॉमन सेंस थ्योरम कहती है कि भाई अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल बॉडी है, कोई भी ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिकल बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है। कॉमन सेंस की बात है यार, मास बराबर फैला हुआ तो सेंटर मास बीचों बीच लाई करेगा। मैं कैसे स्क्वायर प्लेट बना दूं, ला 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 बता इसका सेंटर मास कहाँ लाई करेगा, कॉमन सेंस। अरे बोलो यार, अब खेल आता है यहां से। मान लो मैं बोला तुमसे सेमी सर्कुलर रिंग है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपको पता भी होगा, बस लेक्चर को अगर 2x 1.7 x की स्पीड में देखोगे तो ना एक बार ये ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, मान लो इस रिंग का रेडियस r है तो इसका सेंटर मास कहां लाई करता है, दिस इज द बेस लाइन, इसका सेंटर मास कहां लाई करता है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है, इसका सेंटर मास लाई करता है यहां लाल बिंदी, थोड़ा सा सेंटर से ऊपर, और कितना ऊपर, ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए तुम्हें, ये डिस्टेंस होती है 2r / पाई d, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टेंस होती है 2r / पाई d, किसी भी सेमी सर्कुलर रिंग का तो सेंटर ऑफ मास लाई होता है बेटा वो 2r / पाई दूरी पर एग्जिस्ट करता है, ये याद रखोगे, इस पे सवाल अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज 2r / पाई दूरी पर। अगर मैं सिमिलरली अगर मैं ऐसे बात करता कि ये डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, अच्छा पूरी डिस्क को भी सेंटर मास लाई करता, पूरी डिस्क को भी सेंटर मास लाई करता बीचों बीच क्योंकि सिमेट्रिकल बॉडी है, बट अगर ये सेमी सर्कुलर डिस्क होती कुछ ऐसा होता, हमें भी कुछ वैसा होता, जल्दी देखो ये सेंटर मास, इसका सेंटर मास से नीची बंदी दिखाई नहीं पड़ती, खून ऑफ हो जाता है, ये सेंटर मास से यहाँ नहीं करेगा कि नहीं तो पीले में पीता, ये दबाएगा सेंटर मास से यहाँ लाई करता है, ये दूरी होती है ना दोस्त, ये बता दे मान जाऊंगा बराबर 4r / 3π, जिसका सेंटर मास किसी भी सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर मास होता है वो लाई करता है 4r / 3π पर, 4r / 3π पर, तो प्लीज मिस नहीं करना है इसको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉलो कोन सॉलिड कोन, हॉलो कोन h / 3, सॉलिड कोन h / 4, सिमिलरली बस, लेकिन वो सब बहुत रेयर आता है, मैं बोलूंगा तुमको ये दोनों तुम्हें याद है तुम्हारा काम बन जाएगा ढोल। ठीक है, तो अभी फॉर मीन वाइज इतना ये दोनों चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए, बाकी ये याद रखना कि किसी भी ज्योमेट्रिकल किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही लाई करता है। ठीक है, चलो सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्पोजिट बॉडीज, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्पोजिट बॉडीज, कॉम्पोजिट बॉडीज क्या होता है, अब ये सवाल बहुत ज्यादा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे मैं तुमसे बात करूं कि ये देखो ये डिस्क है, इसकी लेंथ L है और इसका रेडियस आ रहा है। ठीक है, डिस्क है, इसका लेंथ L है, इसका रेडियस आ रहा है, मास इसका m है, इसका भी मास m। अब मुझसे कोई पूछे कि यार इसका सेंटर, सिस्टम का सेंटर मास कहां होगा, मुझसे कोई पूछे कि सिस्टम का सेंटर मास कहां होगा, तो बिल्कुल तुम्हें घबराना नहीं है बच्चों, बहुत इजी अप्रोच कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में। अगर तुम्हें सेंटर मास निकालना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कंपोजिट मासेस करना है, कई कई छोटे-छोटे कई मासेस से कंपोज्ड हो है, दैट्स व्हाई मुझे क्या बोलना है, कंपोजिट बॉडीज, क्या बोलना है, कंपोजिट बॉडीज। ठीक है, अगर मैं तुमसे बात करूं कि यार इसका सेंटर मास निकालना है, सेंटर मास कैसे निकालोगे, तो जुगाड़ लगाओ, ऐसे बना लो x एक्सिस का एक्सिस। ठीक है, इसका सेंटर मास
इसके पॉइंट पे ऐसे रखो और इसका सेंटर मास इसके, इसका पूरा मास इसके सेंटर मास पे एक्युमुलेट कर दो, इसका पूरा सेंटर मास इसके मास पे एक्युमुलेट कर दो कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब इसका मास अगर ये है तो ये इसका मास कहां, इसका सेंटर मास कहां पे लाई करेगा, L by 2 पे। तो इसका मास मैंने यहां पे ऐसे रख दिया, ठीक है। इसका मास मैंने यहां पर ये देखो पॉइंट मास क्लियर रख दिया और इसका कोऑर्डिनेट करके L by 2 कॉमा 0 और मास दे दिया स्क्वायर। जुगाड़ समझना, बॉडी हटाया सेंटर मास रखा, बॉडी हटाया पॉइंट मास बना लिया, रॉड को पॉइंट मास बना लिया, देखो सेंटर मास का यूज शुरू हो गया। मैं बता रहा था इसका सेंटर मास ये बिल्कुल यहां नीचे लाई करेगा, यहां पे सेंटर मास इसका रख देंगे, कहां पे लाई करेगा इसका दूरी, ये L है, ये दूरी R R है, तो दूरी क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट L plus R कॉमा 0, बोलो आया कि नहीं आया बेटा, और मास M, बोलो फीलिंग आई कि नहीं। बस क्या करना है, n नंबर ऑफ बॉडीज बनी हो, यू डोंट हैव टू बदर अबाउट दैट, सबको हटाना है, पूरी बॉडी को हटाना है, उसके सेंटर मास, उसकी पूरी बॉडी का मास उसके सेंटर मास पे एक्युमुलेट कर देना है और पूरे सिस्टम को पॉइंट मास सिस्टम बना देना है। वंस यू विल बी एबल टू मेक द सिस्टम एज पॉइंट मास सिस्टम, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हारे दिक्कत है क्या, एक्ससीएम निकालने के लिए क्या करोगे, m1 x1 + m2 x2 / m1 + m2, m1 की वैल्यू क्या होगी, m * l / 2 + m * l + r अपॉन टोटल मास 2m। लो भाई अर्जेंटीना धीरे धीरे, बहुत अच्छा था मेरे लिए, नॉर्मल है ना, बोलो यार आया कि नहीं आया। तो कंपोजिट मास सिस्टम में सेंटर मास को ऐसे निकाला जाता है, सर एक दो सवाल और करा दो तो मजा आ जाए भाई, करा देते हैं। ये मास m है, दोनों का मास m m से मान लो, और इसका रेडियस a है और इसका रेडियस b है, तो दो सेमी सर्कल देंगे, दो सेमी सर्कल देंगे और मुझे इसका सेंटर मास निकालना है, ठीक है। दो सेमी सर्कल देंगे एंड आई हैव टू फाइंड आउट द सेंटर मास ऑफ द सिस्टम। कुछ नहीं करना, देखो मैं बहुत इजी अप्रोच करूंगा, पहले जल्दी से एक बार ट्राई कर लो, पॉज करके एक बार जल्दी से ट्राई कर लो, देखो वो पा रहा है कि नहीं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सेम अप्रोच सबसे पहले हमको ओरिजिन चूज करना है, इसको x माना और इसको y मान लिया, ठीक है, इसको x मान लिया और इसको y मान लिया। जल्दी से बताओ इसका सेंटर मास कहां लग जाएगा पहले वाले दिन का, तो यहां पर कितने दूरी पर, 2a / पाई पे, और इसका सेंटर मास पूरे सेंटर मास का यहां लाइन करेगा कितने दूरी पर, 2r पर, सेमी सर्कल का सेंटर मास कहां लाइन करेगा, 2b/π पे। तो क्या ये ऐसा सिस्टम बन गया है, अरे मेरे जिंसीज बोलो, यहां पे एक मास रखा है, इसका कोऑर्डिनेट है 0, 2a/π और इसका कोऑर्डिनेट है 0, 2b/π। सर आप ही ने तो बोला था कि पूरे मास को हटाओ और पूरे मास को सेंटर मास पे पुट कर दो, समझ में आया, तो पॉइंट मास बन गया, पॉइंट मास बन गया, अब सेंटर मास निकालना तेरे लिए बिल्कुल भी टफ बात है कि, अरे बोल ना ब्रो, YCM निकालना है तो क्या करेगा, YCM बराबर m1 y1 + m2 y2 / m1 + m2, लो भाई निकालने लग गए। अच्छा तुमने, मैंने YCM क्यों निकाला, मैंने y से इसलिए निकाला क्योंकि यार xcm का कोई मतलब ही नहीं था ना, जब दोनों मास y एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका सेंटर मास y एक्सिस पे ही लाई करेगा, यहां पे समझ में आई बात, जल्दी से नोट कर लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं इस पे प्लीज। सर ये ठीक है सर, आपने तो पढ़ा दी, क्वेश्चंस कैसे करें, नहीं दूंगा कोई डीपीपी, नहीं दूंगा कोई शीट, क्योंकि यार सबसे बेस्ट है नीट के पीवाईपीस और जेईई के पीवाईपीस, उनको लगा कोई भी इशू होता है तो फील फ्री टू कॉल मी, ऊपर शेड प्लस के कवर पेज पे नंबर है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर मास हो गया, इतने तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक टॉपिक और है, दैट इज नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट, उसको हम बोल सकते हैं कि मोमेंट सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडीज,
यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, अगले लेक्चर में उसको भी कंसीडर करूंगा। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यार एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि जैसे सपोज करो कॉमन सेंस, सपोज करो ये अपने पास एक मास है, इसका मास m1 है और एक मास m2, ठीक है, और इसका कहीं ना कहीं सेंटर मास एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि हम फाइंड भी कर सकते हैं, बोलो एग्री करते हो? एक हमारे पास m1 मास है, एक m2 मास है और कहीं ना कहीं इसका सेंटर मास भी एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब मैं तुमसे एक छोटी सी बात ये पूछूं बच्चों कि अगर मुझे इसका सेंटर मास निकालना है, इफ आई हैव टू फाइंड आउट द सेंटर मास ऑफ दिस सिस्टम, तो मैं निकाल सकता हूं बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोसेसेस जो मैंने अभी तुम्हें बताया। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार मैंने मास इस सिस्टम में m1 मास को s1 डिस्प्लेस कर दिया और m2 मास को s2 डिस्प्लेस कर दिया तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होगा क्या? कॉमन सेंस की बात है सर, जब अगर मास को आपने वापस चेंज किया तो सेंटर ऑफ मास कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होगा, तो सेंटर ऑफ मास मान लो SCM डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो जब तुमने इसको डिस्प्लेस किया, इसको डिस्प्लेस किया तो इसको भी डिस्प्लेसमेंट आ गया, जब आप इसको वेलोसिटी दोगे, इसको वेलोसिटी दोगे तो इसमें भी एक वेलोसिटी आ जाएगी, जब आप इसको एक्सेलरेशन दोगे, इसको एक्सेलरेशन दोगे, सेंटर ऑफ मास को भी एक्सेलरेशन आ जाएगा। कॉमन सेंस की बात है यार, कोई गलत हो नहीं तो कुछ गलत हो तो रोको मुझे, मेरी बात से टोको मुझे, अरे बोलो ना, ठीक है। तो भाई सेंटर ऑफ मास तो इन दोनों से मिलके ही बना है ना, तो दोनों में अगर कोई चेंज करोगे तो सेंटर ऑफ मास पे तो इफेक्ट आएगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो एक सिंपल सा रूल है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत सवाल आता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास होगा m1 s1 plus m2 s2 upon m1 plus m2, m1 s1 plus m2 s2 upon m1 plus m2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास की, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या होगा, m1 v1 plus m2 v2 upon अब ये फॉर्मूला ही पढ़ लेना सब कुछ नहीं है, थोड़ा तुम्हें दिमाग भी चलाना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग कैसे चलाना पड़ेगा कि यार पहले तुम देखो सारे फॉर्मूले में वेक्टर लगाना है, तो कुछ मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बाय यूजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रक्स है फॉर्मूला, वी हैव टू कंसीडर one direction as positive, और अगर एक positive consider करोगे तो दूसरी वाली अपने आप negative हो जाएगी, ठीक है। दूसरी एक important बात और जो इस formula को लगाते समय तुम्हें ध्यान रखना है कि जितना भी ये जो displacement है s1, v1, a1, s2, v2, a2, ये सब ground के respect में, तो all the thing जैसे displacement, velocity and acceleration all are with respect to ground, ये बहुत important बात है। अभी बता रहा हूं, एक सवाल कराऊंगा बिल्कुल चमक जाएगा एकदम से, एस वी ए ऑल आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, सारे के सारे चीजों किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो प्लीज इसको मिस नहीं करना, जल्दी से इसको नोट कर लो, क्विक रिवीजन है, जल्दी जल्दी नोट कर लो, फिर इस पर और क्वेश्चन करते हैं। चलो अब सर क्या है इसके पीछे लॉजिक क्या, अगर कुछ सवाल करा रहे हो गर्मा गर्म मजा आया सर। अरे ले यार सवाल ऐसी बात करते, ले इसको बेटर पर ये सवाल ही करो।
मान लो ये गाड़ी है, ठीक है, ठीक है ना? अरे बोलो ना जी, गाड़ी में ये एम मास रखा हुआ है, ये एम मास रखा हुआ है और गाड़ी का मास कैपिटल, ठीक है। अब देखो तुम ध्यान से देखना, यहां पे भी तुम्हें दो मासेस दिख रहा है, एक गाड़ी का मास और एक इसका मास, तो इनका कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास भी होगा। अगर ये रुका हुआ है और ये रुका हुआ है तो इट्स कॉमन सेंस दोनों रुके हुए हैं, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि दोनों का वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी जीरो, क्योंकि दोनों रुके हुए हैं तो सेंटर मास भी रुका हुआ है, ठीक है। सेंटर मास का स्टेटस क्या हुआ, सेंटर मास का स्टेटस होगा कि सेंटर मास रुका हुआ होगा, ठीक है। अब मान लो मैंने तुमसे बोला कि यार मान लो ये इसके ऊपर 5 मीटर आगे चला गया, ये इसके ऊपर 5 मीटर चला गया, जिसके वजह से ये 3 मीटर पीछे हो गया, और तुमसे पूछा गया कि बताओ इतना किया तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ, ये 5 मीटर आगे गया और ये 3 मीटर पीछे चला गया, चला गया अपने आप नहीं गया, मैंने किया है, ये 5 मीटर आगे गया और ये 3 मीटर पीछे चला गया, and we have to find out the center of mass of the system, we have to find out the center of the displacement of the center of mass. So sabse pehle trick formula lagayenge, displacement of center of mass barabar m1 s1 plus m2 s2 upon m1 plus m2. aisi galti mat karna, displacement pe vector lagana m1 plus m2, theek hai। तो अब मुझे जल्दी से बताओ कि M1 इसको मान लेते हैं, सर M1 M2 किसको माने, ज्योतिर्मान उसको माने, इसको मैंने M माना, इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 5 आगे गया और जिसपे था वो 3 पीछे गया, तो सर खाते हैं कसम आपने बताया जब भी ये फॉर्मूला लगा गए तो वी हैव टू कंसीडर वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड अदर वन एज नेगेटिव। तो मैंने राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, सर आपने राइट वाली डायरेक्शन को ही पॉजिटिव क्यों माना, मेरी मर्जी, ओए मेरी मर्जी, मैं चाहूं ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे राइट वाले को, मैं चाहे लेफ्ट वाले को, जिसको भी पॉजिटिव मानूं, मेरी मर्जी। देखो इधर मैंने इसको M1 बोला, अगर मैंने इसको M बोला है तो इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, जो भी चीजें इस डायरेक्शन में होंगी उनको मैं पॉजिटिव दूंगा, तो ये 5 आगे गया, 7 के ऊपर था, 5 पीछे चला गया, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, +5 माइनस इनिंग आई नहीं आई, तो फिर से ये बताओ यार S1 S2 क्या होता है, S1 एंड S2 आर द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, S1 एंड S2 आर द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर मैं M1 की बात करूं तो यहां पे देखो क्या होगा, M1 इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट 5 हुआ है और 3 पीछे की तरफ हो गया, ये जिस गाड़ी पे था उसमें 5 आगे गया, साथ में गाड़ी 3 चली गई, तो ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेस हुआ, 5 आगे की तरफ, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो इस पार्ट को प्लस में लेना पड़ेगा, माइनस लो भाई S1 हो गया, ठीक है, प्लस M2 कितना है, कैपिटल M, यहां से मैं सिर्फ M1 है मैं इसको हटा देता हूं, कैपिटल M इनटू मास कितना डिस्प्लेस हुआ पीछे की तरफ, तो लेकिन पीछे वाली डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव नेगेटिव माना है, तो -3 अपॉन M प्लस M, लो भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास। अगर m और m की वैल्यू रखने के बाद SCM पॉजिटिव आ रहा है, m और m की वैल्यू रखने के बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी, और अगर नेगेटिव जा रहा है तो इसका मतलब बॉडी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी। इतनी चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, इतनी चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप का सवाल करते हैं, ये देखो फिर से गाड़ी खेला ले लेते हैं, खेले वाले सवाल बहुत मिलते हैं इस चैप्टर में, ये देखो
डॉली है ये और ये चंदा है, एक डॉली है और दूसरी चंदा है, ठेले पे है, डॉली का मास 30 किलो है, 30 केजी और चंदा का मास 20 केजी है, ठेले का मास 50 किलो है, ठीक है। और सवाल है, डॉली ऐसे चलने लगी 10 मीटर पर सेकंड से, चंदा ऐसे चलने लगी 5 मीटर पर सेकंड से, ध्यान से देखना चमक जाएगा, और ठेला पीछे चलने लगा 20 मीटर पर सेकंड से। तो क्या यहां पर तीनों मास मिला के एक सेंटर मास बनाएंगे? आंसर है हाँ। क्या यहां पर तीनों मिला के एक सेंटर मास बनाएंगे? तो सेंटर मास कितना डिस्प्लेस होगा, सेंटर मास कितना डिस्प्लेस होगा, तो इट्स वेरी सिंपल, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, बड़ा मजा आएगा। इस बार 3m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इनका चित्र बोलो आया कि नहीं आया। m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अगर हम इनसे सिंपली बात करूं तो m1 की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m1? डॉली को m1 मान लेते हैं। अब मान लेते हैं भाई फार्मूला लगा के क्या है, पॉजिटिव मान लेते हैं, देखना कितना आसानी से निपटाऊंगा क्वेश्चन। 30 इनटू डॉली वेलोसिटी 10 इधर तो प्लस 10 और ठेले पे चढ़ी है तो माइनस 20 ठेले के वजह से, कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लेता है, प्लस चंदा की बात करें, चंदा का मास, मास तो पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे नहीं, चंदा की वेलोसिटी भी इधर ठेला भी उधर जा रहा है, तो नेट ऑफ कर दिया और ये -5 -20। अरे आया कि नहीं आया, फीलिंग आ रही है? ठेले की बात करें तो ठेला का मास कितना, 50 इनटू इसकी वेलोसिटी भी उधर -20 अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास इज 30 प्लस 20 प्लस 50। लो भैया ठिकाने लगा, आया कि नहीं आया? So this is the fastest way to solve any type of problem in the motion of center of mass. बहुत easily कर सकते हो। एक direction को positive मानो, एक को negative मानो और questions को लगाओ। ठीक है? तो बच्चों आज के lecture में इतना ही। अगले lecture में फिर मिलेंगे इसके आगे continuation में। एक important बात ये है कि ये जितना मैंने बताया इससे related PYQs में जितने सवाल आए उसको कर लो। कल मैं फिर तो तुमको एक video दूंगा जिसमें मैं इसके आगे की चीजों को continue करूंगा। पढ़ते रहो, खूब मेहनत करते रहो और एक चीज हमेशा याद रखना, नीट जेई कठिन नहीं है बट डेडिकेशन मांगता है। ये चाहता है कि तुम सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होने चाहिए, चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए, इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज विद यू, शेड इज ऑलवेज विद यू, हमेशा मेहनत करो, बहुत आगे जाओगे, बिल्कुल भी किसी से मत घबराना, नेगेटिव थॉट्स को अपने आसपास मत आने देना, मतलब कर्म ही पूजा है, कर्म करते रहो, हमेशा चीजें बहुत पॉजिटिव होंगी। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, चेक प्लस, बाय।